बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, तो उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी हमारा जो ये चैनल है टीच वीजा, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1000 से जायद सब्सक्राइबर रहते हैं, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने में। तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए और चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करें। फ्री में आपको हर एक वीडियो, हर एक अपडेट मिल जाएगी। जी तो दोस्तों, बात करते हैं हम मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की। पाकिस्तान से आपको मालूम है कि मलेशिया का ई वीजा ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया का ई वीजा लेना पाकिस्तानी सिटीजन के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कोई बंदा भी जो ऑनलाइन इंटरनेट से मलेशिया का ई वीजा अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि जब आप मलेशिया पहुंचते हैं तो क्या मलेशिया से आप आगे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल तरीके की और इलीगल तरीके की, जिसे गैर कानूनी तरीका डंकी लगाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने को कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये तो दोस्तों बात करते हैं हम मलेशिया के ई वीजा की। मलेशिया का जो ई वीजा है वो मिलना बहुत ही ज्यादा आसान है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। जब आप मलेशिया पहुंचते हैं तो मलेशिया पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का काफी ज्यादा दोस्तों के जहन में जो प्लान है वो होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, न्यू पैगुआ गिनी चले जाएंगे, या इंडोनेशिया से आगे आप जो तिमोर लेस्ते एक वीजा फ्री कंट्री है वहां पर चले जाएंगे। तो काफी ज्यादा दोस्तों के जहन में काफी ज्यादा किस्म के जो सवाल हैं वो आते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मलेशिया से आप ऑस्ट्रेलिया किस तरह पहुंचते हैं। मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया अगर लीगल तरीके की बात करें तो आपको विजिट वीजा लेना होगा या किसी भी कैटेगरी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना होगा, जो कि मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। पाकिस्तान के कंपैरिजन भी आसान है, लेकिन वहां पर रहने वाले दोस्तों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। चाहे आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें या फिर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से अप्लाई करें, वीजा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का। अब दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन बचता है वो है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में एंट्री लेते हैं। उसके काफी ज्यादा जो रास्ते हैं वो एजेंट इस्तेमाल करवाते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाने के लिए। पहले नंबर पर तो ये है कि आपको मलेशिया से ही जो बोर्ड्स वगैरह इंपोर्ट के लिए जाती हैं उनमें आपको बिठाकर किसी कंटेनर में बंद करवाकर आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाते हैं। पहला रास्ता ये इस्तेमाल करती हैं। दूसरा रास्ता ये इस्तेमाल करती हैं कि आपको मलेशिया से एक दूर एक कंट्री है तिमोर लेस्ते, जो कि बिल्कुल अपने बॉर्डर इंडोनेशिया के साथ शेयर करती है, आपको तिमोर लेस्ते लेके जाया जाता है। तिमोर लेस्ते और ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा जजीरा है, उसके दरमियान जो फासला है, समुद्री जो फासला है वो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जो कि आपको बोट में बिठाकर क्रॉस करवाया जाता है। आपको ऑस्ट्रेलिया का जो ओशन है, ऑस्ट्रेलिया का जो समुंदर है, उसमें आपको एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद वहां पर जाकर आपको एसालम के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। आपको ये कानून तो पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया का कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते सारे एसालम अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी होगी। आपको जो एप्लीकेशन है वो अगर अप्रूव होता है तो उसके बाद ही आप एसालम अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एप्लीकेशन की अप्रूव की आप एसालम ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा रास्ता ये है कि तिमोर लेस्ते से आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद एक रास्ता ये भी है कि मलेशिया से
आपको एजेंट लेके जाते हैं न्यू पैगुआ गिनी, एक कंट्री है, न्यू पैगुआ गिनी से आपको आगे ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाई जाती है, ये भी एक रास्ता है। तो इन रास्तों से गैर कानूनी तरीके से समुन्दर का इस्तेमाल करके आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाई जाती है मलेशिया से। इसके अलावा और भी एजेंटों के रास्ते हैं जिन रास्तों का यूज करके एजेंट आपको मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया की डंकी लगाते हैं, गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करवाई जाती है। ये थी ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और जितने भी दोस्त नए हैं पहली बार आए हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल टीच वीजा को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा 1,00,000 जो सब्सक्राइबर है वो हो जाए। तो कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।